दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक नीतू दाबोदिया को उसके दो साथियों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया है। हत्या, फिरौती और अपहरण जैसे 50 मामलों में दाबोदिया की दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को तलाश थी, जिसके लिए इसके सर पर 7 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। वसंत कुंज की इसी अंधेरी सुनसान सड़क पर बीती रात तकरीबन 11 बजे अचानक दनादन फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम और दिल्ली के सबसे खूंखार माने जाने वाले नीतू दाबोदिया गैंग के बीच हुई। 30 राउंड फायरिंग के बाद जब शोर थमा तो नीतू दाबोदिया और उसके दो और साथी ढेर किए जा चुके थे। आनन फानन में स्पेशल सेल के सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंच गए। इसको आज पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो पुलिस गाड़ी को टक्कर मारा और पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में उसे इंजरी हो गई और जब हॉस्पिटल में ले जाया गया उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। दिल्ली पुलिस के लिए दाबोदिया को मुठभेड़ में मार गिराना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले कई मौकों पर इसने पुलिस को गच्चा देकर निकलने में कामयाबी हासिल की थी। पिछले साल नवंबर में तो इसने बाहरी दिल्ली के कंझावाला इलाके में गाड़ियों की जांच के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को ही मार डाला था। इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा में हत्या, डकैती और फिरौती मांगने जैसे 50 से ज्यादा मामलों में इसकी तलाश थी। मुठभेड़ का ताना बाना चाहे जैसे बुना गया हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम कई महीनों से दाबोदिया और उसके साथियों के पीछे लगी हुई थी और उसकी मौत के साथ ही राजधानी के कई इलाके चैन की सांस ले पाएंगे। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।